कि नोवो रुपनोयो की ब्रिज एज वेल एज मिलिट्री बेस का जो ब्रिज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। काफ़ी सारे ब्रिज कैंप्स हमको देखने को मिल रहे हैं। एंड गेम्स जो अगर हम हाल फिलहाल में देखें तो फिर सदन सर्कल्स हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। पता है इस बार सदन सर्कल ही मिल जाए। देखिए आप तो फोकस कर रहे थे यहाँ पर टीम्स के ड्रॉप के ऊपर, मेरा मेरा फोकस है बिल्कुल बॉटम लेफ्ट स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ, किया शिफ्टिंग टू लोको क्या वीआईपी। आप वहां पे फिनिश फीट पे देखिए, चक्कुए चल रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पे प्लेयर्स नॉकआउट हो रहे हैं, क्या हो रहा है? टीम आरू जी पहला बंदा नॉक फिनिश, दूसरा बंदा यहाँ पे नॉक ऑलरेडी। बट यहाँ पे चलिए देखिए, आरू की तरफ से थोड़ा सा फाइट बैक हमको देखने को मिला, शॉटगन का प्रयोग किया जाएगा, फिनिश। बट टीम हाइड्रा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बालकों की शायद फेस्ट किया जा सकता है, बट वो किया नहीं गया। बहुत बढ़िया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का यहाँ पे उपयोग। बट मार्कोस गेमिंग यहाँ से कैसे निकलेंगे वो देखने वाली बात हो जाती है। दूर दरार कुछ प्लेयर्स तो उन्होंने स्पॉट किए, एक नॉकआउट भी शायद उनको मिला था। बट अब देखिए खिलाड़ी कैसे मौजूद है, राइट? एक ओपन सर्कल है, जो जो भी कॉम्पाउंड पकड़े हुए उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे बाहर निकलते हैं। ऑन दी अदर साइड हाइड्रा के जो डोरा ओपी है, बगी लेके आए एक हीरो वाली एंट्री, उसके बाद आके ऑपोजिशन का खात्मा। दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बट कवर लेने की कोई जगह नहीं है, इसके चलते बहुत ज्यादा डैमेज यहाँ पे सफर किए जाएंगे। बट ऑन दी अदर साइड एक और टीम का शायद वाइप आउट हमको देखने को मिल जाएगा। टीम फॉरएवर, दे वोंट सर्वाइव। हाइड्रा ने बहुत बढ़िया एंट्री ली। बट जो भी है, टीम फॉरएवर को अच्छे खासे अंक मिले, लेकिन डोरा थोड़ा सा दौरा लगा के आइए, आगे जाइए और एक अच्छे कंपाउंड तो हो जाइए। मार्कोस गेम बोलते हैं प्रोन भी नहीं होने दिया जाएगा आपके सामने ही। ग्रेनेड के एक एक करके जो धमाके हैं, डेविगॉट पे एक अलग लेवल का गेम प्ले यहां दिखा रहे हैं और जीत कर भी दिखा देगी टीम।